नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं और आप लोगों के साथ आप लोगों का फिश भी हेल्दी और हैप्पी है। तो आज का थंबनेल देखते तो आपको पता ही चल गया है कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम बात करेंगे फिश के डीवॉर्मिंग के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीवॉर्मिंग। तो बहुत सारे बिगिनर्स के लिए शायद ये टर्म नया है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि फिश का डीवॉर्मिंग कैसे किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे डीवॉर्मिंग क्या है, और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि डीवॉर्मिंग क्यों ज़रूरत है फिश के लिए, और थर्ड स्टेप में हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करेंगे। तो डीवॉर्मिंग होता क्या है? तो सबसे सिंपल और ईजी तरीका ये है कि कभी कभार हम लोगों में होता है ना कि जब भी कभी हम थोड़ा स्पाइसी खाना खा लेते हैं घर में, या तो किसी भी पार्टी में, या तो कोई इनविटेशन में जाके अगर कोई रिच खाना खा लेते हैं, कोई स्पाइसी खाना खा लेते हैं, तो उसके अगले दिन हम लोगों में लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, या तो तबीयत ठीक नहीं रहता है, पेट फूल जाता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो सेम फिश में भी है, फिश में भी ये डाइजेशन का प्रॉब्लम देखा जाता है। तो मेनली फ्लावर हंस जो फिश है, या तो पैरट फिश, गोल्ड फिश, अरवाना फिश, तो इन सब फिशेस में ये डीवॉर्मिंग ज़्यादा देखा जाता है। ये वाम का जो ये प्रॉब्लम ये ज़्यादा देखा जाता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम। तो अगर आप सोचेंगे कि मेरे फिश में ये प्रॉब्लम दो तीन दिन से दिख रहा है, दो तीन दिन से मेरा फिश बीमार है, तो ऐसा नहीं होता है। आपका फिश में ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है, क्योंकि आपका फिश एक्टिव था एक्वेरियम में। आप देख रहे हैं मेरे फिश तो एक्टिव है, मेरे फिश में कोई बीमारी नहीं है, पर आपके फिश में ये बीमारी बहुत दिनों से अंदर चल रहा है, वार्म पनप रहा है फिश के अंदर, पर अचानक दो तीन दिन से वो रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। फिश ठीक तरह से खाना नहीं खाएगा, फीडिंग नहीं लेगा, टैंक में किसी एक कोने में बैठा रहेगा। और अगर आपके पास फ्लावर हंस फिश है तो सडनली आप देखेंगे उसका हेड डाउन हो जाएगा, या तो अगर आपके पास डिस्कस फिश है तो आप देखेंगे कि डिस्कस फिश का कलर फेड हो रहा है, थोड़ा कलराइजेशन जा रहा है, ठीक है। और अगर गोल्ड फिश है तो गोल्ड फिश फीडिंग नहीं लेगा, टैंक में किसी एक कोने में बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये सारा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। तो आपके फिश में डीवॉर्मिंग है, इसका सिम्टम्स क्या है, आपको पता कैसे चलेगा? तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपका फिश ठीक तरह से खाना नहीं खाएगा, टैंक में किसी एक कोने में बैठा रहेगा, कलर फेड हो जाएगा, तो ये तो कुछ सिम्टम्स है। उसके साथ और भी एक सिम्टम्स है, वो है आपका फिश का जो पेट है वो थोड़ा फूल जाएगा, ठीक है। और जो सबसे मेन सिम्टम्स है वो है आपका जो फिश का पूप है वो वाइट धागे के जैसे निकलेगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था इंटरनल पैरासाइट्स बोल के, जो हाउ टू ट्रीट इंटरनल पैरासाइट्स इन फिश। तो वहाँ पर इंटरनल पैरासाइट्स और डीवॉर्मिंग का जो सिम्टम्स है, ये मेन सिम्टम्स जो है ये है वाइट धागे के जैसे फिश का पॉटी होगा, उसका जो पूप है वो वाइट धागे के जैसे निकलेगा। तो तभी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके फिश में ये डीवॉर्मिंग का प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। तो तभी आपको ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर फिश में डीवॉर्मिंग का प्रॉब्लम आ गया है, या तो उसमें डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो ये सारा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम देखेंगे कि आपके फिश में डीवॉर्मिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको डीवॉर्मिंग करना चाहिए। तो देखिए, एक कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप पहले से प्रिकॉशंस ले लेंगे, अगर आप मंथली बेसिस पे आपके फिश को डीवॉर्मिंग करेंगे, तो आपका फिश हेल्दी रहेगा, खाना ठीक तरह से खाएगा, एक्टिवली स्विम करेगा, तो आपका फिश हेल्दी रहेगा। क्योंकि देखिए, आपने बहुत ही अच्छा फिल्ट्रेशन लगा के रखा हुआ है आपके टैंक में, आप बहुत अच्छा खाना भी फीड करते हैं आपके फिश को, आप रेगुलर बेसिस पे वाटर भी चेंज करते हैं, सभी कुछ आप मेंटेन करते हैं, फिर भी फिश में ये डिजीज़ देखा जाता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए, पानी में अगर कोई गंदगी है, अगर फिश गंदगी खा लेता है, या तो अगर आपने ओवर फीडिंग कर दिया, कोई अनईटन एक्सेसिव खाना अगर टैंक में पड़ा रहता है किसी डेकोरेटिव आइटम्स में, या तो किसी रॉक्स के पीछे, या तो ग्रेवल्स के अंदर, तो फिश क्या करता है, वो जो सारा हुआ खाना है कभी कभार वो फिश वो ढूंढ के खा लेता है, ठीक है। अब देखना, फिश हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है एक्वेरियम में खाने के लिए। तो जब ये सब पुराना खाना अनईटन खाना फिश खा लेता है बहुत दिनों के बाद, तो इन सब वजह से फिश में ये बीमारी देखा जाता है। तो इसलिए ये बीमारी फिश में ना आए, आपका फिश हेल्दी रहे, तो इसलिए डीवॉर्मिंग करना ज़रूरी है। तो अगर आप एक रूटीन बेसिस मेंटेन करके हर महीने डीवॉर्मिंग करेंगे आपके फिश को,
तो आपका फिश एक्टिव रहेगा, एक्टिवली स्विम करेगा, हेल्दी रहेगा, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आप फिश को ट्रीट कैसे करेंगे, डीवॉर्मिंग कैसे करेंगे। तो अगर आपके फिश में डीवॉर्मिंग है तो YouTube में आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, 90% वीडियो आपको मिलेगा जहाँ पर एक मेडिसिन का वो जिक्र करता है, वो है वार्म आउट। वार्म आउट बोल के एक मेडिसिन आता है और मैक्सिमम यूट्यूबर से कह देता है कि वार्म आउट मेडिसिन आप यूज़ कीजिए, आप महीने में एक बार यूज़ कीजिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आप आपके एक्वेरियम में वो मेडिसिन ऐड कीजिए, आपका फिश का डीवॉर्मिंग हो जाएगा। पर एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मेडिसिन है वार्म आउट, ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है आपका फिश का कैजुअलिटीज़ होने का, आपका फिश मर सकता है, ठीक है। 90% चांसेस है कि आपका फिश मर सकता है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि ये चीज़ आप, ये मेडिसिन आप यूज़ मत कीजिए, वार्म आउट मेडिसिन। तो अगर आपका फिश बीमार है, अगर आपका फिश में इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, तो ये मेडिसिन यूज़ करने से आपका फिश का कैजुअलिटीज़ हो जाएगा, आपका फिश डेड हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि आप फिश को ट्रीट कैसे करेंगे। तो जब भी आपको ये सिम्टम्स दिखने को मिलेगा कि आपका फिश खाना नहीं खा रहा है, कलर फेड हो रहा है, या तो जो सबसे मेन रीज़न है वाइट पुक, तो जब भी आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा तो पहले आप फिश को एक अलग से हॉस्पिटल टैंक में शिफ्ट कीजिए और उसमें कुछ भी मत रखिए, कोई भी टॉप फिल्टर, हैंग ऑन फिल्टर, पावर फिल्टर कुछ भी मत रखिए, सिर्फ एक स्पॉन्ज फिल्टर रखिए और उसका भी जो बबल्स का स्पीड है वो भी थोड़ा कम रखिए, ठीक है। और उसमें आप ऐड कीजिए मेट्रोजिल बोल के एक मेडिसिन आता है, किसी भी आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, वो मेट्रोजिल मेडिसिन आप ऐड कीजिए, ठीक है। तो अगर आपके पास एक फीट का टैंक है या तो दो फीट का टैंक है जो हॉस्पिटल टैंक है, तो पहले दिन जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो दो मेडिसिन आप ऐड कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट 5 डेज, क्योंकि ट्रीटमेंट आपको 5 डेज तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट 5 डेज 24 आवर्स के बाद आप ये मेडिसिन ऐड करते रहिए, 1 मेडिसिन मेट्रोजिल मेडिसिन आप ऐड करते रहिए, ठीक है। तो ये मेडिसिन आप यूज़ कैसे करेंगे, किस तरीके से आप आपके टैंक में ऐड करेंगे, तो जो मेडिसिन है उसे आप थोड़ा डस्ट बना लीजिए, ठीक है, और टैंक में इस तरह से आप स्प्रेड कीजिए ताकि फिश को लगे कि आप उसे फीड करा रहे हैं, आप उसको खाना दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो खाना समझ के अगर फिश थोड़ा वो मेट्रोजिल मेडिसिन खा लेगा तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके फिश के लिए, ठीक है। अगर फिश नहीं भी खाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप कोशिश कीजिए थोड़ा डस्ट को ऊपर स्प्रेड करने के, ताकि फिश वो खाना खा के थोड़ा अगर खा भी लेगा तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हर 24 आवर्स के बाद आप ये 1 मेडिसिन डस्ट करके आपके टैंक में स्प्रेड करते रहिए और हर दिन 20-30% वाटर, हॉस्पिटल टैंक से 20-30% वाटर आप चेंज कीजिए और ये मेट्रोजिल मेडिसिन, 1 मेट्रोजिल मेडिसिन डस्ट करके आपके टैंक में ऐड करते रहिए। और ये जो 5 डेज का जो प्रोसेस है जिसमें फिश का ट्रीटमेंट चलेगा, इन 5 डेज में आप फिश को कुछ भी फीडिंग मत दीजिए, क्योंकि देखिए उसका जो अंदरूनी प्रॉब्लम है उसे हम लोगों को क्लियर करना है, उसे ठीक करना है, ठीक है। तो कोई भी फीडिंग आप फिश को इन 5 डेज में मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचता है कि 5 डेज तक मेरा फिश नहीं खाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा या तो फिश मर जाएगा, फिश में कुछ भी नहीं होगा। और 3 डेज के बाद आप थोड़ा फॉलो कीजिए कि आपका फिश रिकवर कर रहा है कि नहीं है, क्योंकि 3 डेज के बाद फिश थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, थोड़ा बहुत कलरेशन फिश का आ जाएगा, थोड़ा एक्टिवली स्विम करेगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा 3 डेज के बाद कि फिश थोड़ा रिकवर कर रहा है, थोड़ा एक्टिव हो रहा है। तो ये प्रोसेस आप 5 डेज तक कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद आपका जो हॉस्पिटल टैंक है उसमें से जो भी पानी है वो पानी आप क्लीन कर दीजिए और उसमें आप नया पानी, फ्रेश पानी आप ऐड कीजिए और उसमें आप ट्रेसिल बोल के एक मेडिसिन आता है वो ट्रेसिल मेडिसिन आप ऐड कीजिए और 6 डे से आप फिश को फीड कीजिए, बहुत ही अच्छा खाना फीड कीजिए और क्वान्टिटी बहुत ही कम रखिए, ठीक है। ज़्यादा क्वान्टिटी का खाना आप फीड मत कीजिए और 3 डेज तक हॉस्पिटल टैंक में आप ट्रेसिल ऐड कीजिए, 10 ml ट्रेसिल पर 100 लीटर पानी के लिए इसका जो मेज़रमेंट है, तो उस मेज़रमेंट के हिसाब से आप ट्रेसिल ऐड कीजिए आपके हॉस्पिटल टैंक में और थोड़ा कम क्वान्टिटी का खाना आप फिश को फीड कीजिए। जब आपका फिश धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, हील होना स्टार्ट हो जाएगा, तब जाके आपके फिश को आप ले जाके मेन टैंक में ऐड कीजिए, ठीक है।
और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जब भी आप नॉर्मली फ़िश को फीडिंग करते हैं, जब फिश बीमार नहीं रहता है या तो नॉर्मली जो हर दिन आप फिश को फीड करते हैं, तो तभी कभी भी आप फिश को ओवर फीडिंग मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि ओवर फीडिंग की वजह से बहुत सारे इश्यूज फिश में देखा जाता है। तो फिश को अच्छा क्वालिटी का खाना दीजिए, पर ओवर फीडिंग कभी भी मत कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए कि जब भी आपको लगे कि आपका फ़िश में बीमारी आ रहा है, डीवॉर्मिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिश को एक हॉस्पिटल टैंक में शिफ्ट कीजिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए, और अगर हो सके तो हर महीने एक बार आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, डीवॉर्मिंग कीजिए आपके फ़िश को, ताकि आपका फ़िश एक्टिव रहे और हेल्दी रहे। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप हर महीने ये मेट्रोचिल मेडिसिन से डीवॉर्मिंग ना करके भी, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है हाउ टू ट्रीट इंटरनल पैरासाइट्स बोल के, तो वहाँ पर मैंने बताया है एप्सम सॉल्ट कैसे यूज़ किया जाता है, और उसके साथ अगर आप फिश को गार्लिक जूस से फीडिंग देते हैं तो उससे भी फिश का जो अंदरूनी सिस्टम है, पेट है, स्टोमक है, वो साफ़ होता है, ठीक है? तो अगर आप हर महीने एप्सम सॉल्ट देते हैं फिश को, या तो गार्लिक जूस मिक्स करके फिश को फीडिंग करते हैं, तब भी फिश का अंदरूनी सिस्टम क्लियर होगा, और ये वार्म का प्रॉब्लम, ये जो वार्म फिश के अंदर आता है वेस्ट से या तो बहुत सारा गंदगी खाने से, तो ये भी क्लियर हो जाएगा, फिश एक्टिव और हेल्दी रहेगा, ठीक? और हर महीने एज अ प्रिकॉशन आप फिश का डीवॉर्मिंग कैसे करेंगे, तो फिश को एक दिन भूखा रखिए, और नेक्स्ट डे फिश के टैंक में आप एप्सम सॉल्ट या तो गार्लिक जूस मिक्स किया हुआ खाना फिश को फिट कीजिए, ठीक है? तो एप्सम सॉल्ट से या तो गार्लिक जूस से क्या होता है, फिश का जो अंदरूनी सिस्टम है, जो इंटरनल सिस्टम है, वो क्लियर हो जाता है, ठीक है? कोई भी अगर वेस्ट फिश के अंदर रह जाता है, कोई भी गंदगी अगर रह जाता है, कोई भी वर्म्स, तो सभी कुछ निकल जाता है, ठीक है? तो ये जो 5 days वाला एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है डीवॉर्मिंग करने का, ये आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसेस आप तभी फॉलो करेंगे जब आपका फिश बीमार ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? तभी आप वो 5 days का ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए, फिश को मेट्रोजिल दीजिए, नहीं तो हर महीने एक रूटीन आप फॉलो कर लीजिए, और उसी रूटीन के बेसिस पे आप एक दिन फिश को भूखा रखिए, और नेक्स्ट दिन आप एप्सम सॉल्ट या तो गार्लिक जूस मिक्स किया हुआ खाना आपके फिश को फिट कीजिए, ठीक है? और फ्रॉम द 3rd day जब नॉर्मल प्रोसेस है, जब फिश बीमार नहीं है पर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो नॉर्मल 3rd day से जैसे आप नॉर्मल खाना फिश को फिट देते थे वैसे ही फिट कीजिए, ठीक है? तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ, कुछ इन्फॉर्मेटिव हुआ। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।